और अब सीधे रुख कर लेते हैं वाराणसी के रोहनिया का, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली को संबोधित कर रहे हुए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बिराजी भाई और बहनों, 6 चरण के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। 8 तारीख को जब पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाता होगा, उस दिवस 7वें चरण में आप सब मतदान करके भारतीय जनता पार्टी अपना दल और भारतीय समाज पार्टी के सभी उम्मीदवारों को भव्य विजय दिला करके उत्तर प्रदेश को सपा बसपा कांग्रेस से मुक्ति दिलाने का एक भगीरथ काम करोगे, ये मेरा विश्वास है। भाइयों बहनों, मुझे आज इस क्षेत्र में आकर के एक विशेष आनंद हो रहा है। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री था तो डॉक्टर सोनेलाल जी गुजरात आते रहते थे, खास करके सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति उनकी जो श्रद्धा थी उसके कारण उनका आना होता था और उनके मन में हमेशा, क्योंकि मुझे काफी उनके साथ बातें करने का सौभाग्य मिला था, हमेशा अमूल डेयरी की तरह यहां के गांव में गरीब किसान पशुपालक उनके जीवन में अमूल डेयरी की जैसी व्यवस्था खड़ी करके बदल कैसे किया जाए, ये विचार लगातार चलते रहते थे। आज मुझे खुशी है कि डॉक्टर सोनेलाल जी ने जो बीज बोया, जो वट वृक्ष के रूप में फला फूला और उनकी प्यारी बेटी डॉक्टर सोनेलाल जी के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी है, ऐसे क्षेत्र में मुझे आकर के अपने आप में बड़ा गर्व होता है। आज सुबह लाल बहादुर शास्त्री जी उनके निवास स्थान पर जाकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला। जय जवान जय किसान, ये मंत्र घर घर में गूंजा। दशकों के बाद भी आज भी वो मंत्र गूंजता रहा है। ऐसे महापुरुष को नमन करके मैं आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, मेरा जन्म उस धरती पर हुआ जिस धरती पर सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए थे, महात्मा गांधी पैदा हुए थे। भाइयों बहनों, और ये मेरा सौभाग्य है कि पूर्वांचल की धरती का जनप्रतिनिधि बनकर के मुझे आपकी सेवा करने का आपने मुझे अवसर दिया है। भाइयों बहनों, हमारे देश का अगर हम कल्याण करना चाहते हैं तो हमें हमारे देश के गांवों में, किसानों की जिंदगी में, गांव के जीवन में बदलाव लाना ही पड़ेगा। देश की अर्थव्यवस्था गांव की खरीद शक्ति जितनी ज्यादा बढ़ेगी उसके आधार पर निर्भर होने वाली है, और इसलिए हमने एक सपना संजोया है कि 2022 में
जब हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल होंगे, महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे महापुरुषों ने जिस आजादी के लिए अपना जीवन खपा दिया था, वो सरदार पटेल के, महात्मा गांधी के, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अनगिनत क्रांतिकारी, अनगिनत स्वतंत्र सेनानी जिन सपनों को लेकर के देश की आजादी के लिए वो अपनी जवानी खपा रहे थे, उन सपनों को पूरा करने के लिए हर हिंदुस्तानी को अविरत प्रयास करना चाहिए। और इसलिए 2022 जब आजादी के 75 साल होंगे, दो सपने प्रमुख रूप से लेकर के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार दिल्ली में काम कर रही है। एक, 2022 आजादी के 75 साल हो तब तक हिंदुस्तान का कोई भी परिवार ऐसा न हो, गरीब से गरीब क्यों न हो, उसको रहने के लिए अपना खुद का घर न हो। भाइयों बहनों, गरीब से गरीब परिवार को रहने के लिए छत देने का संकल्प लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। दूसरा मेरा सपना है 2022 आजादी के 75 साल हो, अभी 17 चल रहा है, 5 साल बाकी है, इस 5 साल के भीतर भीतर हिंदुस्तान के किसान की आय डबल करनी है, दो गुना करनी है। आज अगर वो 1 लाख रुपया कमाता है तो 2 लाख पहुंचाना है, आज अगर वो 50,000 कमाता है तो 1 लाख पहुंचाना है। और भाइयों बहनों, ये संभव है। जिस प्रकार से हमने पूरा रोड मैप बनाया है हिंदुस्तान के किसान के जीवन में बदलाव लाने के लिए, एक के बाद एक हमने ठोस कदम उठाए हैं, और उस ठोस कदम का परिणाम यह है कि देश की कृषि की आवक, देश के किसान की आवक, उसकी आय डबल होगी, दो गुना होगी। जिस धरती मां एक बीज बोते हैं और अनेक बना करके हमें देती है, कभी भी हमने इस हमारी धरती मां की शहद की चिंता नहीं की, कभी सोचा भी नहीं क्या कभी मेरी धरती मां भी बीमार होती है, क्या उसमें भी कोई बीमारी आ जाती है, क्या कभी नहीं सोचा। हमने धरती मां का इतना शोषण किया कि मां कभी हमारा हिसाब मांगती है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा धरती मां की तबीयत कैसी है उसका परीक्षण करना, जैसे आजकल कोई भी व्यक्ति बीमार हो जाए तो डॉक्टर कहता है कि लेबोरेटरी में जाकर के खून का नमूना देकर के तपास कराओ, पेशाब का नमूना देकर के तपास कराओ, खून का नमूना लेकर के तपास कराओ, जांच कराओ, और उसके बाद रिपोर्ट आती है तब जाकर के डॉक्टर दवाई देता है। जैसा मनुष्य के शरीर का है वैसा ही ये हमारी धरती माता का भी है, और इसलिए हर खेत की मिट्टी लेकर के उसका लेबोरेटरी में परीक्षण होना चाहिए। मिट्टी का स्वभाव क्या है, गुण क्या है, दोष क्या है, किस फसल के लिए, किस फसल के लिए वो मिट्टी अनुकूल है,
कौन सा खाद चलेगा, कौन सा नहीं चलेगा, कौन सी दवाई चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी, इसको वैज्ञानिक तरीके से जांचना जरूरी है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमने पूरी तरह हिंदुस्तान के हर किसान को इस काम से जोड़ने के लिए शासन ने, भारत सरकार ने अरबों खरबों रुपयों का खर्च लगाया है। जब खेतों के जमीन के नमूने लेकर के जांच पड़ताल हो रही, किसान क्या करता है, अगर बगल वाले किसान ने लाल डिब्बे वाली दवाई डाल दी तो वो भी अपने यहां लाल डिब्बे वाली डाल देता है, पीले डिब्बे वाली डाल दी तो वो पीले डिब्बे वाली डाल देता है। वो सोचता ही नहीं है कि मेरे खेत में इस दवाई की जरूरत है कि नहीं है, मेरी जो फसल है उसमें इसका उपयोग है कि नहीं है, लेकिन बगल वाले ने किया वो भी कर देता है। और उसके कारण जितनी पैदावार होनी चाहिए होती नहीं है और आर्थिक रूप से नुकसान हो जाता है। भाइयों बहनों, हम सॉइल हेल्थ कार्ड के द्वारा किसान को वैज्ञानिक तरीके से अपनी फसल की कमाई करने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित कर रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं। हमारे किसान को सर्टिफाइड बीज मिले, अगर अच्छा बीज होगा तो फिर किसान को कभी रोने की बारी नहीं आएगी। आज काले बाजारी करने वाले, बेईमानी करने वाले लोग किसानों के ऐसी झूठे बीज दे देते हैं और साल भर, जब साल बर्बाद हो जाए तब किसान को पता चलता है कि किसी ने मुझे ठग लिया है। भाइयों बहनों, ये किसान को रक्षा करने का पूरा प्रबंध आज भारत सरकार कर रही है। भाइयों बहनों, किसान को अगर पानी मिल जाए तो मिट्टी में से सोना पैदा कर देता है। ये ताकत हमारे देश के किसान की है। और इसलिए हमने हजारों करोड़ रुपया की लागत से देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को काम पर लागू किया है। पुराने डैम बने हुए हैं लेकिन पानी ले जाने के लिए कैनाल नहीं बनी हुई है। भाइयों बहनों, कहीं पर पानी नीचे चला गया है, कुओं को रिचार्ज करने की जरूरत है। हजारों करोड़ रुपया, अरबों खरबों रुपया करके देश में किसान को पानी पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा भगीरथ काम हमने शुरू किया है। हम एक ऐसी योजना लाए हैं कि आज किसान के पास जो पंप है, कभी कभी वो इतनी बिजली खाते हैं, इतने पुराने हो गए हैं, किसान के पास पैसे नहीं वो पंप बदलने के लिए। हमने तय किया है जो भी किसान ये पंप बदलना चाहता है, भारत सरकार मुफ्त में उसका पंप बदल देगी, नया पंप दे देगी। भाइयों बहनों, हमने दूसरा काम किया, यूरिया। आपको पता है किसान को जब यूरिया चाहिए तब मिले तभी उसका उपयोग है। अगर 10 दिन के बाद यूरिया मिले तो किसान के लिए वो बेकार है, उसको समय पर चाहिए, फसल के निश्चित दिन होते हैं तब चाहिए। लेकिन हमारे देश में यूरिया के लिए किसान दो दो दिन तक कतार में खड़ा रहता था, कभी पुलिस आकर के लाठी चार्ज करती थी और काले बाजार वाले इस कारोबार को कब्जा करके किसान को लूटते थे। और इसलिए भाइयों बहनों, यूरिया मिले, यूरिया की चोरी ना हो, बेईमानी ना हो। हमने यूरिया का नीम कोटिंग किया और ये कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है, सिंपल सा काम था, लेकिन उसको करके हजारों करोड़ रुपए की चोरी को हमने अटका दिया। नीम कोटिंग, ये जो नीम के पैड होते हैं ना, नीम के पैड की फली होती है, जहां पर खाद के कारखाने हैं, फर्टिलाइजर के कारखाने हैं, उसके अगल बगल के गांव की माताओं बहनों को कहा कि जो नीम की फली है उसको इकट्ठा कीजिए, हम खरीद लेंगे। गरीबों को काम मिल गया, नीम की फली इकट्ठी की, उसका तेल निकाला, यूरिया में उसको मिक्स कर दिया। अब यूरिया की चोरी संभव नहीं रही, अब यूरिया सिर्फ खेत में ही काम आ सकता है और किसी काम में नहीं आ सकता, और मेरे किसान का काम हो गया। भाइयों बहनों, फसल तो हो जाए, अच्छी फसल हो जाए, लेकिन कभी कभी
बारिश ना हो, कभी बाढ़ आ जाए, कभी ज्यादा बारिश आ जाए, किसान को तो मरना ही मरना है। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाई। इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आज किसान अगर प्राकृतिक आपदा के कारण बारिश नहीं आई और बुआई नहीं कर पाया तो भी उसको बीमा का पैसा मिलेगा। फसल सोलानी हो गई, काट करके खेत में रखी है, अभी मंडी जाना ही है और अचानक बारिश आ गई, अचानक ओले गिर गए और बनी बनाई सब बर्बादी हो गई तो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से पैसा मिलेगा। अगर खेत में भरा पानी का भराव हो गया तो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना मिलेगा और किसान की जिंदगी को बचा लिया जाएगा।